आज चाहिँ हामी कार्तिक महिनाको दामोदर यो महिना छ. विशेष कृष्णजी, भगवान् श्रीकृष्णजीको एकदमै मनपर्ने महिना हो र हामी यतिखेर वृन्दावन धाममा छौँ. र वृन्दावन धाममा आज हामी यस गाइड भन्नु हुँदैन हौ र आज चाहिँ हामी बाँके बिहारीको मन्दिर दर्शन गर्नको लागि जाँदैछौँ. वृन्दावन धाम यस्तै छ, हेर्नुहोला. केमा एसी टिकोमा जाँदैछौँ, अटोमा चढेर जाँदैछौँ, गाडीभित्रसम्म नजाँदो रहेछ. र अब धाम हो, यहाँ यस्तै छ आश्रमहरू, भगवान्को जन्मभूमि, भगवान्को लीला र थिएको ठाउँहरू. यहाँ पनि स्कन्ती रहेछ, फोगल आश्रममा कति धेरै है रौबारले मनाउनु भएको. हनुमान टेकरी मन्दिर अरे, हनुमान मन्दिर रहेछ यहाँ हनुमानजीका. अब सामान्य छ ठाउँहरू त होइन, बाँदर हेर्न नि. यहाँबाट प्रवेश रहेको छ गल्ली गल्ली. बाबा भगवान्लाई माला किने. बाबा बाबा भगवान्लाई माला किने. माला के भगवान्. जब राधा जी कृष्ण राधा वल्लभ बन गए यहीं पे है ना भगवान, जो आपने देखकर बाहर निकल जाते बोलते है ना. किधर है? इधर से. इधर से कितना टाइम लगेगा? राधा रमन, राधा रमन से आम राधा रमन बोलते हैं उनको. राधा रमन के बीच में राजहारी के पास में वो उनको क्या बोलते हैं जो भगवान भक्तों के हाथ में देखकर बाहर आ जाएंगे, इसलिए एक एक मिनट में बंद कर बिहारी बिहारी. हाँ तो पर वो तो खुला था कुछ उसके बड़ी टाइम से वहाँ पर बना है कुछ देते नहीं है. बिहारी जी का मंदिर बांके बिहारी का मंदिर तो राधा रानी का सेवा नहीं कर सकता हूँ, इतना मेरे पास इतना ही इनका बोला तो कृष्ण जी ने राधा रानी का भी एक ही बना दिया. कलयुग है ना, कलयुग है, कलयुग है ना, उसके लिए तो जब का जरूरत होता है. भोजन ही वैसे है ना, भोजन ही
है, मन तो बस में थोड़ी ना हो गया, भोजन साथी होना चाहिए मन को बस में करने के लिए। दिख जाएगा, अरे दिख जाएगा। कस्तो मेन्टेनेन्स गरेको यो बाटो।